हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्लास जो फर्स्ट लेक्चर था डिबेंचर्स का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या समझा था, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले समझा था रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट, ठीक है ना। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। डिबेंचर हमारा लोन होता है, तो हम बोल रहे हैं रिडेम्पशन का मतलब हुआ रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। रीपेमेंट अलग अलग टाइप से हो सकता है, लमसम, इंस्टॉलमेंट्स, उसके बाद कन्वर्जन इंटू इक्विटी शेयर्स। मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा कन्वर्जन इंटू इक्विटी शेयर्स पे, और परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट। गाइस स्टार्टिंग के जो दो हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट, कैश में थोड़ा थोड़ा करके, ये दोनों कैश में है। अब ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजों पर कोई क्वेश्चंस कुछ खास है नहीं, और इवन होने भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मुझे कैश में रिडीम करना है, तो मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी, ये तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की बताई थी। फिर मैंने आपको कैश में रिडीम करने की जर्नल एंट्री बताई थी कि क्या होती है, ठीक है। ये होती है डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। उससे पहले आपने किया था डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। अब कैश में रिडीम करने का ज्यादा कोई क्वेश्चंस उस पे ज्यादा बनता नहीं है। इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमम क्वेश्चंस किस पे दिए हैं? इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए हैं परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स पर, जो कि हमने पिछली क्लास में उसका डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? ओन डिबेंचर्स अपने ही डिबेंचर कंपनी मार्केट से परचेज कर रही है, सस्ते दाम में परचेज कर रही है, लोएस्ट कॉस्ट पे परचेज कर रही है, मतलब लोअर कॉस्ट पे परचेज कर रही है, लोअर देन द फेस वैल्यू परचेज करके हम उसको अपने पास रख रहे हैं, और उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करने का मतलब ये हुआ कि जो हमने परचेज किया पहले, हमने उसको सेपरेटली असेट माना, और हमने जब इशू किया था तो पहले उसको हमने लाइबिलिटी माना था, तो अब हम इन दोनों को कट ऑफ कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं। इसमें हमने बोला था कि हमें दो तीन बातें याद रखनी है। हम जब परचेज करते हैं, तो हम जब परचेज करते हैं तो ओन डिबेंचर्स, तो उसको हम अपना एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, हम उसको अपना एक सेपरेट असेट मानते हैं, ठीक है। फिर जब हम उसको कैंसिल करते हैं, तो हम अपने उस असेट को, पुरानी वाली लाइबिलिटी, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में जो लाइबिलिटी हमने जब इशू किया था वो बनाई थी, उसको सेट ऑफ कर देते हैं। सेट ऑफ करते टाइम, हम जब सेट ऑफ करते हैं, तो सेट ऑफ करते टाइम हमें प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में कहीं पर भी नहीं बताया कि ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कहां जाना चाहिए, मतलब पीएनएल में जाना चाहिए या कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। जब तक ये चैप्टर ओल्ड सिलेबस में रिवाइज नहीं हुआ था, मतलब आज से कुछ टाइम पहले ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर था, रिवाइज नहीं हुआ था, तो इंस्टीट्यूट कहता था कि इसको कैपिटल रिजर्व में डालना है। बट अब इस पे इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं कहता। इंस्टीट्यूट ने बोल दिया भाई ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन रहेगा, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये मैं आपके साथ पहले से ही डिस्कस लेक्चर नंबर वन में कर चुका हूँ, और आपको भी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन रखना है और कुछ नहीं रखना, ठीक है। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कि अगर हमने एक एग्जांपल देखा था, ये जो एग्जांपल आपके सामने है, कि हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी थी, अगर हम परचेज करें किस टाइम पे परचेज करें, कैसे कैंसिल करें, वो सब चीजों का। अच्छा, इन सब के साथ साथ हमने फिर क्या देखा था, क्या देखा था, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना सीखा था ऐसे एग्जाम्पल में। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया था एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस, और कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब, कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब, ये कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब जब आप डिबेंचर परचेज कर रहे हो, मतलब ओन डिबेंचर परचेज कर रहे हो, तो आप जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो मिलाकर अगर कोई प्राइस बोला जाए, तो उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। अगर क्वेश्चन में आपको कम इंटरेस्ट प्राइस दिया होगा, तो आपको इंटरेस्ट माइनस करके एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया होगा, तो इंटरेस्ट प्लस करके आपको कम इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सर ऐसा दोनों दोनों प्राइजेस हमें चाहिए क्या? हाँ, हमें दोनों प्राइजेस चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ओन डिबेंचर की एंट्री करते हैं, तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट गोल्डन रूल हमेशा ओन डिबेंचर को एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। किस पे रिकॉर्ड करते हैं? एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ओन डिबेंचर अकाउंट को जब तुम परचेज करते हो, तो उसको तुम रिकॉर्ड करते हो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। कौन से प्राइस पे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। और जब तुम ओन डिबेंचर अकाउंट को परचेज
परचेज करते हो तो एंट्री करते हो ओन डिबेंचर अकाउंट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट अलग से इंटरेस्ट टू बैंक, तो टू बैंक जो आएगा वो कम इंटरेस्ट प्राइस पे आएगा। मैंने आपको निकालना सिखाया था कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस में कैसे इंटरेस्ट कितना होता है, कैसे होता है। मैंने आपको बोला था कि जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको याद होगा, ये देखिए ध्यान से, जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप ये देखते हो कि लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब पे किया गया था, वहां से लेकर अभी तक के जो पीरियड का जो हम इंटरेस्ट निकालते हैं उसको हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस में इंक्लूड करते हैं तो वो हो जाता है कम इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा ऐसे ही क्वेश्चंस में हमने सिखा दिए थे, गोल्डन रूल हमने दिया हुआ है, ओन डिबेंचर शेल ऑलवेज बी डेबिटेड बाय एक्स इंटरेस्ट प्राइस। फिर हमने इसकी एंट्री पास की थी, राइट, हमने ओन डिबेंचर्स वगैरह और 12% डिबेंचर्स वगैरह इन सब की एंट्री पास की थी। फिर हमने इसमें इंटरेस्ट निकालना सीखा था। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया अब इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी, कई सारे क्वेश्चंस आएंगे और हम करते जाएंगे। बट हमारा आज का जो ज्ञान स्टार्ट होने वाला है वो ज्ञान स्टार्ट होने वाला है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के साथ। हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम आज की क्लास में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बाद हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हम उसके फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो मैं आपके साथ अभी बात करना चाहता हूं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की, राइट। ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, रिजर्व की बात जब आती है, जब रिजर्व की बात आती है बच्चों तो हम ये कहते हैं कि भाई रिजर्व क्या क्या होते हैं। जब रिजर्व की बात आपके सामने आती है तो एज एन स्टूडेंट अगर मैं एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूं तो मेरे को रिजर्व के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, या मैं क्या मान के चल रहा हूं कि क्या पता होगा। जब रिजर्व की बात आती है तो हमें पता रहता है कि यार कुछ रिजर्व एंड सरप्लस नाम की कोई चीज होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है ना। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक हेड होता है जिसमें हम कहते हैं कि सर जनरल रिजर्व आता है, ठीक है ना, ऐसा होता है कि नहीं, जनरल रिजर्व आता है। दूसरा रीवैल्यूएशन रिजर्व आता है, कौन सा रिजर्व आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। सर ये क्या होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब होता है कि जब आप अपने किसी असेट को फेयर वैल्यू करते हो। सर ये क्या होता है फेयर वैल्यू, असेट को जब आप किसी अपनी असेट की वैल्यू को बढ़ाते हो, बुक्स में आपके पास एक असेट पड़ी है, बिल्डिंग पड़ी है, आपको लगता है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो आप उसको मार्केट वैल्यू पे दिखाना चाहते हो तो आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हो, तो उसका जो क्रेडिट इफेक्ट आता है, क्रेडिट इफेक्ट का मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अपवर्ड रिवैल्यू करते हो मतलब आप जब बढ़ाते हो तो अपवर्ड रिवैल्यू होता है, टू रिजर्व टू प्रॉफिट होता है वो, हम उसको पीएनएल में डाल के हम उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाते हैं। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई भी रिजर्व्स जो कि हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हैं अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिविडेंड के रूप में। ठीक है, इसमें फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व आता है यही ऊपर वाला, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके अलावा आपने बहुत सारे और रिजर्व के नाम भी सुने रखे होंगे, जैसे और कौन से रिजर्व के नाम आपने सुने रखे होंगे, जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब काम आता है, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व काम आता है जब हम बायबैक करते हैं इक्विटी शेयर्स का, ठीक है ना, या फिर जब हम बोनस इशू करते हैं तब उसका नाम आता है सामने, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन भी हम प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व करके आता है। एक और रिजर्व इस कैटेगरी में जुड़ता है, ऐसे तो कई सारे रिजर्व होते हैं पर जो आज हमें पढ़ना है उस रिजर्व का नाम होता है DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हम इस चैप्टर में DRR के ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बिलीव मी, आपका पूरा का पूरा चैप्टर DRR पे ही फोकस कर रहा है। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके 90% क्वेश्चंस DRR पे हैं। ये DRR क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये DRR क्या होता है गाइस, क्या है, समझिए बात को, कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको डिबेंचर इशू कर रहा हूं, मैं आपको कंपनी डिबेंचर इशू करती है, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी मार्केट से लोन ले रही है, ठीक है ना। डिबेंचर इशू का मतलब क्या होता है, टू रेज मनी, टू रेज मनी, रेज मनी मतलब हम पैसा ले रहे हैं, रेज मनी फ्रॉम मार्केट,
मार्केट से हम पैसा ले रहे हैं, दैट इज लोन। डिबेंचर एक लोन होता है। कंपनीज एक्ट सेबी हमें अलाउ करता है कि हम मार्केट से पैसा उधार ले सकते हैं। शेयर इशू करना उधार जब होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है और पैसे आते हैं, तो उसको उधार नहीं बोल उसको उधार नहीं बोलते, मतलब उसको लोन नहीं बोलते। अगर कोई व्यक्ति शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आप लोग शेयर परचेज कर रहे हो, दैट मीन्स आप कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप कंपनी में अपना कैपिटल लगा रहे हो, ये समझ सकते हो कि कंपनी आपकी है। आपकी है मतलब आपके साथ साथ बाकी लोगों की भी है, मतलब आपका भी हक है कंपनी में। बट यहीं पर अगर आप अपना पैसा डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी के डिबेंचर में, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कंपनी आपकी है या आप कंपनी के ओनर हो। आप ये कह सकते हो कि आपने सिंपली कंपनी को लोन दिया है, जिसपे कंपनी आपको समय समय पर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करेगी। पर ये सोचो कि क्यों यहां पर डीआरआर की जरूरत पड़ रही है, ये डीआरआर हो क्या रहा है। यू समझो कि अगर आज आप अपना पैसा लगा रहे हो किसमें, कंपनी में, और कंपनी को पैसा लोन पे दे रहे हो, तो यहां पर आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्क है। कल को अगर कंपनी बिजनेस अच्छे से ना कर पाए, तो आपको वो इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाएगा। और साथ में आगे चल के हो सकता है उसने जो रिडम्शन करने का वादा किया है कि एक टाइम बाद वो आपको पैसे वापस करेगा, रीपे करेगा, हो सकता है आपको रीपे समय पर, सही समय पर ना कर पाए, या जितना अमाउंट आपको रीपे करना था आपको पूरा ना कर पाए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, अगर ऐसा लगता है कि कंपनी पे नहीं कर पा रही, तो इससे क्या होगा, इससे आपका पैसा डूबेगा, इससे आपका पैसा डूब सकता है, ठीक है ना। कंपनी के डिफॉल्ट करने से पैसा किसका डूबेगा, आपका डूबेगा। इसीलिए क्या हुआ, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविजन है, एक सेक्शन है, मुझे सेक्शन तो अच्छे से याद नहीं है अभी राइट नाउ, बट मैं जो अकाउंटिंग टर्म्स भी बात करूं, एक सेक्शन है वो कहता है कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, इशू करते टाइम उसको डीआरआर क्रिएट करना है, डीआरआर क्रिएट करना है। अब आप बोलोगे सर ये डीआरआर क्रिएट करना मतलब क्या होता है। जब भी कंपनी क्या बोलते हैं, डिबेंचर इशू करेगी, सॉरी मैं थोड़ा सा अटक गया था, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी उस टाइम पर आपको, कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स की सेफ्टी के लिए। सर डीआरआर क्रिएट ये क्या होता है, डीआरआर क्रिएट करना, और इससे डिबेंचर होल्डर्स की सेफ्टी कैसे हो रही है। बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट से फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिखा और यहां आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, इससे पहले ऑलरेडी आप सारे के सारे खर्चे माइनस कर चुके होंगे ऊपर, तो आपने यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी माइनस कर दिया होगा। कौन सा वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिबेंचर वाला। तो जो ये नेट प्रॉफिट बच रहा है, ये नेट प्रॉफिट किसके लिए है, ये नेट प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है ना। पर कंपनीज एक्ट का जो रूल है, कंपनीज एक्ट का जो रूल है डीआरआर के ऊपर, वो कहता है कि मान लो तुमने नेट प्रॉफिट अर्न किया, कुछ भी अर्न किया, 5 लाख रुपए अर्न किया, 5 करोड़ रुपए अर्न किया, 500 करोड़ रुपए अर्न किया, तुमने नेट प्रॉफिट कितना भी अर्न किया, तुमने जो भी नेट प्रॉफिट अर्न किया, ये किसके लिए है, शेयर होल्डर के लिए। तो शेयर होल्डर के लिए है, तो इसको बोलेंगे हम, दिस नेट प्रॉफिट इज अ फ्री रिजर्व। कौन सा रिजर्व, फ्री रिजर्व। थोड़ी देर पहले मैंने अभी फ्री रिजर्व बताया था आपको, फ्री रिजर्व मतलब ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो आप अपने शेयर होल्डर्स को आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फ्रीली। इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट, आप जब जब नेट प्रॉफिट कमाओगे और हर साल अगर नेट प्रॉफिट कमाओगे, तो शेयर होल्डर्स के लिए ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये फ्री रिजर्व्स दिखता जाएगा। आगे चल के अगर शेयर होल्डर्स आपसे डिविडेंड मांगेंगे, तो आप डिविडेंड उनको पे करोगे, आपसे वो बोनस, आप उनको बोनस इशू भी कर सकते हो, बोनस शेयर्स भी दे सकते हो फ्री रिजर्व्स में से, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट तो मतलब शेयर होल्डर्स का हो गया। और अगर आपने डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया, कई सारा डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया,
तो डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी? अगर आप पूरा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स पे ही खर्च कर दोगे या दूसरी जगह खर्च कर लोगे, तो डिबेंचर होल्डर्स को तो तकलीफ हो सकती है। सर क्यों? उनको तो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो पे कर रहे हो, पर फ्यूचर में जाके जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा, उनको रीपे करने के लिए जब पैसे चाहिए रहेंगे और तुम्हारे पास अगर फंड्स नहीं हुए तो क्या करोगे? मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिबेंचर्स को जब रिडीम करना पड़ेगा उस टाइम पे तुम्हें क्या चाहिए? फंड्स। एंड एट दैट मोमेंट व्हेन यू हैवंट एनी काइंड ऑफ सफिशिएंट फंड्स, अगर तुम्हारे पास उस टाइम पे सफिशिएंट फंड्स नहीं हुए, हाउ विल यू पे देम? आप उनको रीपे कैसे करोगे? इसीलिए कंपनीज एक्ट में डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए यह कहा गया कि ये जो तुम्हारे फ्री रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं हर साल, क्योंकि तुम प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हो, प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हो, प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हो, ये तुम्हारे फ्री रिजर्व्स हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं डिबेंचर शेयर होल्डर्स के लिए। इन फ्री रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, फ्री रिजर्व्स में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के आपको डीआरआर में भेजना है, आपको डीआरआर में डालना है। ये देखिए, एक होती है आपकी ये बैलेंस शीट, मैं फिलहाल टी शेप बैलेंस शीट बना रहा हूं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। बैलेंस शीट में ये होता है लाइबिलिटी साइड और एंड इक्विटी साइड, और ये होता है असेट साइड, और यहां आते हैं आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस, और यहां आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं जिनका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व्स, अगर आपके पास रिजर्व्स पॉजिटिव है तो उनका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास फ्री रिजर्व्स पड़े हैं क्रेडिट बैलेंस वाले, उस फ्री रिजर्व्स में से आप हर साल 10-10%, यस 10%, द लिमिट इज 10%, हर साल मिनिमम 10-10% फ्री रिजर्व्स में से उठा के आप डीआरआर में ले जाइए। अब जब हम कहते हैं कि फ्री रिजर्व्स में से उठा के आप डीआरआर में ले जाइए, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि फ्री रिजर्व कोई एक बॉक्स है जिसमें से मैं पैसों की गड्डी उठाऊंगा और मैं डीआरआर वाले किसी बॉक्स में डाल दूंगा, ऐसा नहीं है। सिंपली एंट्री होती है डीआरआर को क्रिएट करने की, डीआरआर को क्रिएट करने की एंट्री होती है फ्री रिजर्व्स डेबिट। अब जब हम बोलते हैं फ्री रिजर्व्स डेबिट, तो आप फ्री रिजर्व बोलो या फिर आप बोलो जनरल रिजर्व डेबिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। सर ये कितना क्रिएट करना पड़ता है डीआरआर? 10%। एंट्री में कहीं पे भी कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं। तो पहले तो अपने माइंड से ये क्लियर कर लो कि डीआरआर क्रिएट करना जो होता है वो कोई कैश में हम क्रिएट नहीं करते, या डीआरआर कोई ऐसा कोई बैंक नहीं है या बैंक अकाउंट नहीं है कि हम अपने पैसे जमा कर रहे हैं डीआरआर में। यूं समझो कि आपने साल भर में जो प्रॉफिट कमाया, कौन सा वाला, ये 5 लाख, इसमें से आप मान लो 20,000 रुपए या 30,000 रुपए या 50,000 रुपए आप डीआरआर में दिखा रहे हो, बाकी आप फ्री रिजर्व्स दिखा रहे हो। यूं समझो कि 5 लाख में से, 5 लाख में से 50,000 रुपए आप डीआरआर में दिखा रहे हो, बाकी आप 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए आप जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व में दिखा रहे हो। इससे क्या हुआ? मतलब आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए फ्रीली अवेलेबल प्रॉफिट दिखा रहे हो, 4.5 लाख है, बाकी प्रॉफिट को पता है आप क्या कर रहे हो? बाकी प्रॉफिट को आप कर रहे हो ब्लॉक। प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जब हम डीआरआर में ले जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट को ब्लॉक कर लिया। अब 50,000 के प्रॉफिट को मैं फ्री नहीं कह सकता, मतलब नाउ 50,000 इज नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। आउट ऑफ द इंटायर प्रॉफिट, आउट ऑफ द इंटायर प्रॉफिट, जितना भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया उसमें से मैंने कुछ प्रॉफिट को ब्लॉक कर लिया, मतलब इतना प्रॉफिट 50,000 तो मैं कहीं नहीं बांटूंगा। मैं कसम खाता हूं डिबेंचर होल्डर्स को कह रहा हूं, मैं डिबेंचर होल्डर्स को कह रहा हूं कि मैं कसम खाता हूं कि मैं 50,000 हर साल डीआरआर बनाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं कसम खाता हूं कि मैं 50,000 हर साल प्रॉफिट ब्लॉक करते हुए चलूंगा, ताकि आपके लिए एक सिक्योरिटी मेंटेन कर सकूं। आप बोलोगे कि हमारे लिए ये सिक्योरिटी कैसे मेंटेन हुई? मैं बोलूंगा कि अगर मैं ये प्रॉफिट 50,000 ब्लॉक ना करूं तो पूरा का पूरा प्रॉफिट फ्री है, ये तो मैं कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को बांट सकता हूं, कैसे भी बांट सकता हूं।
आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो सर अगर ऐसा है तो पूरा ब्लॉक कर लो। नहीं, मैं पूरा ब्लॉक थोड़ी कर सकता हूँ, पागल थोड़ी हो गया हूँ भाई। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जिस टाइम से मैंने इशू किया, जिस दिन से मैंने इशू किया, उस दिन से लेकर मैं, अब जैसे मान लीजिए मैंने इशू किया आज और मैं रिडीम करूंगा 10 साल बाद, तो मैं आज से लेकर जब भी प्रॉफिट कमाऊंगा मैं प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डीआरआर में डाल दूंगा, मतलब मैं ब्लॉक कर दूंगा। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि डीआरआर बनाना कोई कैश में नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपने फ्री रिजर्व में से पैसा उठाया फिर आपने किसी बैंक में डाला ताकि आपने उसको पैसे को सेव कर दिया। तो पहले तो आप ही कह रहे हो कि ये कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है ना? फिर आप बोल रहे हो कि सर डीआरआर बनाने से हमारे लिए सिक्योरिटी हो गई, डिबेंचर होल्डर के लिए सिक्योरिटी हो गई। तो जब ये कैश में आपने बनाया ही नहीं, आपने तो एक तरीके से बस एक एंट्री पास कर दी, फ्री रिजर्व्स को डेबिट करके स्पेसिफिक रिजर्व में डाल दिया, तो सर इससे हमारे लिए सिक्योरिटी कैसे बढ़ी, कैश में कैसे बढ़ी? बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे केस में हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि एक एंट्री तो तुम्हें ये पास करनी है, ये वाली एंट्री बोलते हैं टू क्रिएट डीआरआर एवरी ईयर। एक एंट्री तो तुम्हें ये वाली पास करनी है। दूसरी एंट्री तुम जितना भी डीआरआर बना रहे हो, लेट अस से 50,000 हर साल, एवरी ईयर यू आर मेंटेनिंग 50,000 का रिजर्व, तो तुम जितना भी डीआरआर बना रहे हो उतने के बराबर, उतनी की वैल्यू के बराबर हर साल तुम कैश में पैसा इन्वेस्ट करोगे, किसी सिक्योरिटी में, किसी गारंटीड सिक्योरिटी में, किसी ऐसी सिक्योरिटीज में, किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करोगे जो सिक्योर्ड है, जो रिस्क रिस्क जिसमें ज्यादा नहीं है। और क्यों इन्वेस्ट करोगे? वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करोगे ताकि आगे चल के जब डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़े तो वो इन्वेस्टमेंट्स को तुम सेल कर सको, और जो इन्वेस्टमेंट्स को तुम सेल करोगे उससे जो पैसा आएगा उतना तुम रिडम्पशन में काम ले आ पाओगे, मतलब रिडम्पशन में यूज कर सकोगे। तो हम जब डीआरआर क्रिएट करते हैं तो डीआरआर क्रिएट करने के बाद हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो पहले पता है प्रोविजन क्या था? पहले प्रोविजन ये था कि जितना भी आप डीआरआर क्रिएट कर रहे हो, जितना भी डीआरआर आप क्रिएट कर रहे हो उतने के बराबर का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। बट नाउ द रूल हैज बिकम चेंज। मैंने बोला ना कि डीआरआर में अमेंडमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो नाउ द रूल हैज बिकम चेंज। अब आपको डीआरआर के बराबर का अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपको इन्वेस्ट कुछ और अमाउंट करना पड़ता है। मिनिमम एक लिमिट बनाई गई है, मैं उस लिमिट पे बाद में आऊंगा क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि हम उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? मिनिमम एक लिमिट बनाई गई है, मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एंट्री होती है। वैसे इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है? वैसे कायदे से इन्वेस्टमेंट की एंट्री होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लीजिए मैं 50,000 पूरा का पूरा, के मतलब यहां पर 1,000 है, मैं 50,000 यहां पर पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर रहा हूं, और ये इन्वेस्टमेंट मैंने क्यों किया? डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए। कितने साल के लिए? मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर मान लीजिए मैं डिबेंचर को रिडीम करने वाला हूं, तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ये इन्वेस्ट कर रहा हूं, और आगे मैं लिख दूंगा, इसके आगे नाम लिख दूंगा डीआरआर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट किया ये स्पेसिफिकली डीआरआर को रिडीम करने के लिए, मतलब डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए किया, और मैंने डीआरआर बनाया था इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैं इसको नाम दे दूंगा डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो एक एंट्री ये पास होती है। डीआरआर से रिलेटेड ये 2 जर्नल एंट्रीज आपको समझनी पड़ेंगी। पहली जर्नल एंट्री क्या है? पहली जर्नल एंट्री है हर साल प्रॉफिट जितना भी आप अर्न करते हो सारे खर्चे माइनस करने के बाद वो जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स के लिए पड़ा रहता है। आप उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट को ब्लॉक कर रहे हो। वो प्रॉफिट जनरल रिजर्व में हो सकता है, वो प्रॉफिट पीएनएल में हो सकता है, आप उसमें से थोड़ा सा पैसा डीआरआर में डाल रहे हो। बचपन में आपने पढ़ा था, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा था, उससे पहले अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, 11th 12th में आपने पढ़ा था कि पीएनएल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है चार्ज, एक होता है अप्रोप्रिएशन। चार्ज मतलब खर्चे, एक्सपेंसेस, और अप्रोप्रिएशन व्हेन वी क्रिएट रिजर्व्स। सो गाइस, क्रिएटिंग डीआरआर इज नॉट अ चार्ज, ये कोई खर्चा नहीं है, इट इज एन अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट कमा लिया, अब मैं प्रॉफिट को अलग अलग जगह पे रख रहा हूं। इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारे पापा मम्मी करते हैं। हमारे पापा मम्मी क्या करते हैं? हमारे पापा मम्मी जब सेविंग्स करते हैं तो एक ही जगह पे सेविंग नहीं होती। हमारे पापा मम्मी क्या करते हैं? कुछ सेव करते हैं पैसा बैंक में, कुछ पैसा सेव करते हैं गोल्ड लेके, कुछ पैसा कहीं और जगह पे सेव करते हैं। या इट्स लाइक कि जब आप
अपने पास पैसे रखते हो तो पूरा पैसा आप अपनी जेब में नहीं रखते हो, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप बोलते हो कि यार मैं कुछ घर पे रख के जाता हूँ पैसे, बाकी मैं पैसे जेब में रख के जाता हूँ, तो आप अपने पैसे अलग 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 जगह संभालते हो। तो वैसे ही इट्स लाइक कि आपने प्रॉफिट अर्न कर दिया, तो अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है उस प्रॉफिट को अलग अलग जगह रख देना। उसमें से एक जगह है आपकी डीआरआर। डीआरआर में अगर आप प्रॉफिट को रख रहे हो तो इसका मतलब आप एक तरीके से कसम खा रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैं इतना प्रॉफिट ब्लॉक करके चल रहा हूं, मैं इतने प्रॉफिट के बराबर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, और साथ ही साथ मैं उतना अमाउंट इन्वेस्ट भी अभी के अभी कर लेता हूं डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए, कि आगे चल के जब मुझे रिडीम करना पड़ेगा तो रिडीम करते टाइम मैं ये इन्वेस्टमेंट्स को बेच सकूं, पैसा रियलाइज कर सकूं और मैं उनको रीपे कर सकूं। इससे क्या हुआ, इससे डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी मेंटेन हुई। आई बात समझ में आपको गाइस? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हो और आप इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन को आप क्लिक कर लो, स्टॉप मतलब स्टॉप कर लो, फिर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये वाला अगर कुछ आपको करना है तो, वैसे अभी कोई जरूरत नहीं थी पर आप करना चाहते हो तो कर लो। ओके, अब हम पढ़ते हैं ये जो हमने डिस्कशन किया, हम इस डिस्कशन को नोट्स में से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, नोट्स में से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं फिर से बोल दूं, नोट्स मैंने आईसीएआई के मटेरियल से ही बनाया है, आईसीएआई के क्वेश्चंस ही लिए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चंस मैंने आईसीएआई के लिए हैं और मैंने नोट्स मैंने आईसीएआई के मटेरियल से ही बनाए हैं ताकि जल्दी से जल्दी समझ में आ सके। तो आइए बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ना पड़ेगा बार 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 बार, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ रिडेम्पशन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये जो टर्म है ना, कौन सा वाला टर्म, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इसको बोलते हैं फ्री रिजर्व। इसको क्या कहते हैं, फ्री रिजर्व, मतलब नेट प्रॉफिट, हर साल का नेट प्रॉफिट, फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व में से आप डीआरआर क्रिएट करोगे। ठीक है, द अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट, मतलब जितना भी आप अमाउंट डीआरआर में क्रेडिट करोगे, एंट्री क्या होती है इसकी, मैं एंट्री यहां पे लिख देता हूं। एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। तो टू डीआरआर किया मैंने, मतलब डीआरआर को मैंने क्रेडिट किया। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो मैंने ये अमाउंट डाला डीआरआर में, इसको मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता, एक तरीके से मैंने इसको ब्लॉक कर लिया। जो जो वर्ड मैंने आपको बोले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उनको लिंक कर सको। सो एक तरीके से मैंने उनको ब्लॉक कर लिया, मतलब द अमाउंट विच यू हैव ट्रांसफर टू डीआरआर हैज बीन ब्लॉक्ड, नाउ इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिबेंचर होल्डर्स टू रिडीम द डिबेंचर्स। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गया। सच एन अरेंजमेंट वुड इंश्योर दैट द कंपनी विल हैव सफिशिएंट लिक्विड फंड्स फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट द टाइम दे फॉल ड्यू फॉर रीपेमेंट। ये करना, डीआरआर कर बनाना, इस अरेंजमेंट को हम क्यों क्यों कर रहे हैं, हम इससे सामने वाले को मतलब डिबेंचर होल्डर्स को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि डोंट वरी, जब हम आपको पैसा रिडीम करेंगे तो हमारे पास पैसा होगा, रिडीम करने के लिए हमारे पास पैसा होगा, सफिशियंट फंड्स होंगे। ठीक है, एन अप्रोप्रिएट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट्स एवरी ईयर। अब डीआरआर कैसे बनता है, हर साल प्रॉफिट में से एक कुछ अमाउंट अप्रोप्रिएट लिखा है, जितना भी बोला जाएगा, मिनिमम जितना भी बोला जाएगा, आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, पर मिनिमम एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको प्रॉफिट से उठा के डीआरआर में डालना है, एवरी ईयर टू डीआरआर, एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इज टर्म एज डीआरआर इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको जो बताया कि एक तो वो जो अमाउंट आपने प्रॉफिट से उठा के कहाँ डाला, डीआरआर में डाला, ये कोई कैश की एंट्री तो हुई नहीं, ये तो एक तरीके से आपने प्रॉफिट को ब्लॉक कर लिया, और जो और जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक्चुअली कैश में, उसको बोलते हैं डीआरआर इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर,
इन द लास्ट ईयर, चलिए 10 साल के लिए मैंने डिबेंचर को रिडीम किया था। फर्स्ट ईयर मैंने सॉरी रिडीम नहीं, इशू किया था। तो पहले साल इशू किया, डीआरआर क्रिएट किया, अमाउंट इन्वेस्ट किया। सेकेंड ईयर डीआरआर क्रिएट किया, अमाउंट इन्वेस्ट किया। थर्ड ईयर डीआरआर क्रिएट किया, अमाउंट इन्वेस्ट किया। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर तक यही किया। टेंथ ईयर डीआरआर क्रिएट किया, डीआरआर क्रिएट किया, पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट करने के बजाय मुझे उस इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा ताकि पैसे आ जाएं और मैं रिडीम करूं। तो इन द लास्ट ईयर और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डीआरआर इन्वेस्टमेंट मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स आर इन कैश, मतलब आप उसको इन कैश करते हो। इन कैश मतलब उनको बेच देते हो और पैसा रियलाइज करते हो। एंड द अमाउंट ऑब्टेंड इज यूज्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आई बात समझ में? तो यूं कह सकते हैं DRR is created every year starting from first year of issue till last year ऑफ रिडम्पशन। डीआरआर हर साल बनता है, डीआरआर हर साल बनता है, पहले साल से लेकर जब से आपने इशू किया वहां से लेकर रिडम्पशन तक, रिडम्पशन वाले ईयर तक जब तक आपने उसको रिडीम किया। ठीक है, कहीं जहां तक तो बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। इमीडिएटली द कंपनी शुड ऑल्सो परचेज आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने बताया डीआरआर तो क्रिएट कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा पैसा। खाली खाली डीआरआर क्रिएट करना से कोई ज्यादा कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही है, पर इन्वेस्टमेंट करने से एक्चुअली में सिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि आप एक्चुअली पैसे को भी ब्लॉक कर रहे हो, आप कैश भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप उतना पैसा ब्लॉक कर रहे हो। द एंट्री फॉर द पर्पस नेचुरली विल बी टू डेबिट द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट द बैंक। सिंपली एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है डी आर आर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। ठीक है, इफ द डिबेंचर्स आर परचेज विद इन द इंटरेस्ट पीरियड, द प्राइस वुड बी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। अरे वो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट वाली बात बोल रहा है, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, अभी आप इसको ज्यादा इतना लोड मत लेना। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब ओन डिबेंचर परचेज करते हैं एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मानते हैं और एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट निकालते हैं और इंटरेस्ट को अलग से डेबिट क्रेडिट करते हैं, वैसे ये बोल रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो और आप कम इंटरेस्ट पे खरीद रहे हो तो इंटरेस्ट आपको अलग से डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तो था वाई वी क्रिएट डी आर आर एंड वाई वी इन्वेस्ट आर मनी टू द इन्वेस्टमेंट जस्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। नाउ कंपनी अकाउंट्स के रूल्स पे आते हैं। रूल कहां लिखे गए हैं? ये है रूल 18 सब रूल 7 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। ये जो रूल्स होते हैं कंपनीज में वो कंपनीज एक्ट का पार्ट होते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन होगा, वो बोलेगा कि एज पर द रूल्स डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। कितना वो रूल बताएगा, क्योंकि समय समय पर रूल्स बदलते रहते हैं। ठीक है, सो रूल है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। ये क्या कहता है? ये कहता है द कंपनी शेल क्रिएट अ डीआरआर फॉर द पर्पस ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस गिवन बिलो। अब कितना कितना डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है देखिए, अलग अलग टाइप की कंपनीज बताई गई हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनीज चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दूसरे जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं, इसके अलावा लिस्टेड कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, ठीक है ना, एनबीएफसीज जो लिस्टेड हैं, अदर लिस्टेड कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड,
अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड एनबीएफसीज, अदर अनलिस्टेड कंपनीज, ये अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है डीआरआर क्रिएट करने के लिए। इसमें सबसे पता है तरीका, सिंपल तरीका क्या है डीआरआर को, अगर आपको समझना है तो डीआरआर को सबसे सिंपल तरीका कैसे है, कितना डीआरआर क्रिएट करेंगे। आप बार बार देखोगे साइड में नो डीआरआर, डीआरआर विल बी एज एप्लीकेबल टू द एनबीएफसीज। अगर एनबीएफसीज की बात करें तो नो डीआरआर, मतलब यहां पर भी हो गया नो डीआरआर, नो डीआरआर, नो डीआरआर। सिर्फ आखिरी वाला पॉइंट है जो कहता है डीआरआर शेल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड, किस पे, अदर अनलिस्टेड कंपनीज। इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो ये बोलो बोला जाएगा, विच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। आंसर वुड बी कंपनी अदर देन बैंक्स, एनबीएफसीज, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये बैंक की तरह होते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी बैंक की तरह काम करते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम्पल मान लो नाबार्ड, आपने अगर सुना हो तो। अरे जो नाबार्ड मतलब एक, ये समझो कि एक तरीके से बैंक है, बट वो फार्मर्स के लिए होता है और अलग अदर एक्टिविटीज के लिए होता है। बैंक, एनबीएफसी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। और क्या बोला गया है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकली नहीं, ये चारों एक ही कैटेगरी की है, बैंकिंग बिजनेस होता है इन सब का, पैसे एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट करना वगैरह वगैरह। कंपनी अदर देन बैंक, एनबीएफसी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर लिस्टेड कंपनीज, अदर लिस्टेड कंपनीज, अदर लिस्टेड कंपनीज मतलब ये देखिए, अदर लिस्टेड कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर मतलब आपने डिबेंचर पब्लिक में इशू किए या फिर आपने प्राइवेटली अपने कुछ ही लोगों में डिबेंचर इशू कर दिए। ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज, अदर लिस्टेड कंपनी मतलब हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस, सर्विस सेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। इनको छोड़कर, सर इनको छोड़कर बचा क्या, बचा सिर्फ एक ही कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में है, या कोई भी कंपनी है, बस वो बैंकिंग बिजनेस नहीं करती, एनबीएफसी नहीं कर, एनबीएफसी नहीं है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है और वो लिस्टेड नहीं है। तो ये वाली सारी कंपनीज, मतलब कंपनीज अदर देन दीज टू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 10% डीआरआर। कितना डीआरआर, 10%। पहले ये 15% हुआ करता था, पर अब ये 10% हो गया। अब ये 10% किसका, ऑफ किसका, टोटल आउटस्टैंडिंग इशूड डिबेंचर्स। सर इसका मतलब आपने 10 लाख के डिबेंचर इशू किए और आपको आगे चल के 10 लाख रिडीम करना है, अभी आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 10 लाख, तो 10 लाख का 10%, मतलब आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। समझ आया। आगे चल के आपने 10 लाख में से 2 लाख डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया, अब कितने बचे, 8 लाख, 8 लाख का 10%, अब आपके पास मिनिमम 80,000 का डीआरआर हो जाना चाहिए। मैंने बोला था आपको फर्स्ट क्लास में कि डिबेंचर्स को हम इंस्टॉलमेंट्स में भी रिडीम कर सकते हैं। तो सपोज आपने 10 लाख में से 2 लाख को, 2 लाख रुपए रीपे कर दिए, अब कितने बचे, 8 लाख, 8 लाख का 10% कितना हुआ, 80,000। तो आउटस्टैंडिंग जितने भी डिबेंचर्स अभी भी आउटस्टैंडिंग है जो रिडीम होना बाकी है, उनका 10% आपको मिनिमम डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, हाउ, द एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ठीक है, आपको इतना डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, इतना डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। शॉर्ट में अगर बहुत बात करें तो डीआरआर किसको क्रिएट करना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी जो बैंक नहीं है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एनबीएफसी नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, और वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी। सर ये लिस्टेड अनलिस्टेड मतलब, लिस्टेड कंपनी मतलब जिसने अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा के रखे हैं, लिस्ट मतलब ट्रेडिंग के लिए लिस्ट करवा के रखे हैं, उसके शेयर्स मार्केट में कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी मतलब उसके शेयर्स मार्केट में कोई भी खरीद बेच नहीं सकता। तो सर सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को ही क्यों बोला गया कि डीआरआर क्रिएट करो, बाकी कंपनीज को क्यों नहीं बोला गया? बाकी सारी कंपनीज, बैंक, एनबीएफसी, इनके ऊपर आरबीआई, इन सबके रेगुलेशंस लगते हैं, कंट्रोल है इन सबके ऊपर। लिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी सेबी का कंट्रोल है। सेबी कौन है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं, आरबीआई, सेबी, ये सारी कंपनी, ये इन सभी कंपनीज को रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करके चलती हैं। तो कल को अगर इन्होंने कभी डिफॉल्ट किया ना तो दिक्कत में आ जाएंगी। बट जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी कौन? अनलिस्टेड कंपनी, उसके ऊपर सेबी, आरबीआई के रेगुलेशंस नहीं होते, तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जब कंट्रोल करने वाला नहीं है तो फिर उनको, उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए उनके वो बोला गया कि तुम्हें अलग से डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि तुम लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करता है। बाकी इन कंपनीज के ऊपर तो कंट्रोल करते हैं वो लोग, आरबीआई कंट्रोल कर रहा है बैंक्स के ऊपर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर सेबी कंट्रोल कर रहा है, तो उन लोगों के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जबकि अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक श्योरिटी चाहिए। तो श्योरिटी कैसे मिलेगी? आप जब डिबेंचर इशू करोगे उस टाइम पे आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, 10% डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। कितने का? टोटल आउटस्टैंडिंग इशूड डिबेंचर्स का। ठीक है, कैसे क्रिएट करोगे? पीएनएल टू डीआरआर, वो तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो गाइज आप सिर्फ इतना याद रखो कि अनलिस्टेड कंपनी होगी अदर देन, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन बैंक, अदर देन आईएआईएफआई मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर देन एनबीएफसी, अदर देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसको 10% डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशू, जितने भी आपने डिबेंचर इशू किए उसका 10%। ठीक है, वेयर कंपनी इंटेंड्स टू रिडीम इट्स डिबेंचर्स प्री मेच्योरली, इट मे प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ सच अमाउंट इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एज इट इज नेसेसरी फॉर रिडेम्पशन ऑफ सच डिबेंचर्स इवन इट एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड इन सब रूल। हाँ, आपने बोला कि मैं 10 साल बाद डिबेंचर को रिडीम करूंगा, तो आपने क्या किया? आपने 10 साल बाद डिबेंचर को रिडीम करना था, तो आपने आपने बोला कि यार मान लो 10 लाख रुपीज के डिबेंचर आपने इशू किए, 10 लाख का कितना होता है 10%? 1 लाख। तो आपने पता है क्या बोला? आपने बोला 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, आप हर साल कितना कितना क्रिएट करोगे? 10,000 रुपीज, आप हर साल 10,000 का डीआरआर क्रिएट करोगे, क्योंकि 10 साल तक क्रिएट करना है। तो आपने बोला फर्स्ट ईयर क्रिएट किया 10,000, सेकेंड ईयर क्रिएट किया 10,000, थर्ड ईयर क्रिएट किया 10,000, फोर्थ ईयर क्रिएट किया 10,000, फिफ्थ ईयर में अचानक से आपने डिसाइड किया कि मैं डिबेंचर्स को रिडीम करना चाहता हूं। इसको बोलते हैं प्री मेच्योरली। प्री मेच्योर मतलब आप डिबेंचर्स को समय से पहले रिडीम कर रहे हो। ओ भाई, समय से पहले रिडीम कर रहे हो, तो रिडीम कर रहे हो तो तुम्हें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना चाहिए। तो सर कर तो रहा हूं। रुको, तुमने 4 साल तक 10 10 10 10 क्रिएट किया है, 5वां साल भी 10 मिला लो, तुमने 50,000 किया है, जबकि तुम्हें अभी तक कितना कर लेना चाहिए था? 10 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए। तो रिमेनिंग 50,000 तुम्हें इमीडिएटली क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर तुम डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो और रिडीम करने से पहले अगर तुम्हारे पास डीआरआर मेंटेन नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, तो तुम्हें सफिशिएंट डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा पीएनएल से। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? तो एक काम करो, एक रूल लिखो, एक गोल्डन रूल लिखो। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ
डिबेंचर्स ऑलवेज चेक द बैलेंस इन DRR, whether it is sufficient or not, that is 10% of total outstanding value. If it is not sufficient, मतलब अगर ये 10% के बराबर नहीं है, देन क्रिएट DRR, क्रिएट सफिशियंट DRR बिफोर रिडम्पशन, बिफोर रिडम्पशन, ठीक है। ये आपको गोल्डन रूल बता रहा हूं, मतलब ये कि आपको हमेशा रिडम्पशन करने से पहले ये चेक करना है कि आपका DRR कितना है और कितना होना चाहिए। अगर कम है तो सफिशिएंट DRR क्रिएट करिए, फिर ही उसके बाद आप डिबेंचर्स को रिडीम कर पाओगे, ठीक है। ओके गाइस, जर्नल एंट्रीज पे हम आएंगे। पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करिए, आप ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट पढ़ लीजिए एक बार। एक काम करो, आप ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट अपने नोट्स में, अगर आपके पास नोट्स हैं तो। और वैसे मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी फायदा हो जाएगा। तो ये इसको नोट्स में से पहले आप ये इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पढ़ लीजिए एक बार, ये एक बार रीड कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपने ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अमाउंट ये पढ़ा होगा, इसको एक बार मैं रीड कर लेता हूं क्या क्या पढ़ा आपने। एज पर रूल 18(7) ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 14। सर क्या ये रूल नंबर याद करना पड़ेगा? नहीं, रूल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR शैल, शैल शैल मतलब जरूरी है। एक होता है शैल, एक होता है मे, मे मतलब चाहो तो, शैल मतलब करना पड़ेगा। शैल ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर, हर साल के 30th अप्रैल से पहले पहले या 30th अप्रैल तक डिपॉजिट करना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या? एज द केस में भी अ सम विच शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मेच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी आप डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो अगले साल, रिडीम करने वाले हो अगले साल, रिडीम करने वाले हो अगले साल,
15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए आपने इश्यू किए 10 लाख रुपीस डिबेंचर्स, कितने इशू किए 10 लाख रुपीस डिबेंचर्स इन फाइनेंशियल ईयर से, हाँ 15-16। अब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920, इन फाइनेंशियल ईयर 1920 रिडम्पशन आप करने वाले हो, क्या करने वाले हो, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ रुपीस 2 लाख डिबेंचर्स। आपने पहले से ही अनाउंस कर दिया कि आउट ऑफ दिस 10 लाख रुपीस 2 लाख के डिबेंचर्स आप रिडीम करोगे, ठीक है ना, 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स आप रिडीम करोगे, कब करोगे 1920 में। आपको क्या करना है, डी आर आर इन्वेस्टमेंट, डी आर आर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना 15% ऑफ 2 लाख, 2 लाख का 15%। सर 2 लाख का कि 10 लाख का, बेटा 2 लाख का, मैं अभी आपको वापस से पढ़वाऊंगा, 2 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट डीआरआर करना पड़ेगा 15% ऑफ 2 लाख, दैट इज कितना हुआ 30,000। ये मिनिमम है, मिनिमम कब तक करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल, देखो आप रिडीम कब करने वाले हो 1920 में, 1920 में, तो आपको 30th अप्रैल 2018 तक आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 30th अप्रैल 2018 तक इन्वेस्ट करोगे, साल भर ये पैसा इन्वेस्टमेंट में रहेगा, अगले साल आप इस पैसे को वापस से निकाल के रिडीम कर सकते हो। पर सर बस 30,000, बेटा 30,000 मिनिमम है, ठीक है ना, आप 2 लाख रिडीम करना चाहते हो तो आप 2 लाख का 2 लाख इन्वेस्ट कर दो, आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दो, आप जितना चाहो कर दो, पर मिनिमम आपको 15% करना पड़ेगा। वापस पढ़ते हैं, शेल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर डिपॉजिट और इन्वेस्ट, डिपॉजिट करना पड़ेगा पैसा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, अ सम विच शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर्स मैच्योरिंग, जितना भी डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर मतलब रिडीम हो रहे हैं, जितने भी डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उसका मिनिमम 15% ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ऑफ नेक्स्ट ईयर 31st डे ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के 31st मार्च में जो आपके मैच्योर हो रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर गाइस, इसका मतलब आप यहां पर मैच्योरिटी मतलब रिडीम का करने वाले हो, मान लो 31st मार्च 2020 में, तो आपको ऑन बिफोर 30th अप्रैल 2018 तक रिडीम करना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। सर इन्वेस्टमेंट कहां करना पड़ेगा, डिपॉजिट्स विद एनी शेड्यूल्ड बैंक, किसी भी बैंक में एफडी बना दो, ठीक है ना, कोई सिक्योरिटीज परचेस कर लो गवर्नमेंट की, ठीक है ना, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मतलब जो रिस्क फ्री हो, सिक्योरिटीज आप परचेज कर लो ऐसा। अब ओवरऑल अगर बात करें तो सर ये 10% और 15% का रूल क्या है, एक बार फिर से बताओ, आपको 10% डी आर आर क्रिएट करना है, 10% किसका, 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, यहां वर्ड है इश्यूड, 15% क्या है इन्वेस्टमेंट, डी आर आर इन्वेस्टमेंट, डी आर आर इन्वेस्टमेंट किसका, 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन नेक्स्ट ईयर, जो भी आप अगले साल में रिडीम कर रहे हो उसका 15%
ऑफ टोटल वैल्यू टू बी रिडीम्ड, जितनी भी वैल्यू आप रिडीम कर रहे हो उसका 15% ये ऐसा है, मतलब 10% टोटल आउटस्टैंडिंग के ऊपर होगा पर 15% जितना आप रिडेम्पशन कर रहे हो उसके ऊपर होगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए जर्नल एंट्रीज पे बात करते हैं, जो हमने जर्नल एंट्रीज डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिबेंचर इशू करना है, आपने डिबेंचर इशू किया, आप मुझे सुनिए ध्यान से, डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू करने की आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, जिस दिन आपने डिबेंचर इशू किया उसी साल में उसी ईयर में आपको हर साल डीआरआर बनाना पड़ेगा। सर आपको हर साल डीआरआर बनाना पड़ेगा उसी साल में, तो सर किस डेट पे? जनरली ईयर एंडिंग पे होता है, जनरली कब होता है? ईयर एंडिंग पे। पर अगर मान लो क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दी हुई है तो आप बिगनिंग से ही आप डीआरआर बनाना शुरू कर सकते हो। तो इन द ईयर व्हेन यू हैव इशूड द डिबेंचर्स फ्रॉम द सेम ईयर यू हैव टू क्रिएट द डीआरआर। डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व को ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट को ब्लॉक कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। तो सबसे पहले एंट्री देखो ये वाली, फॉर सेटिंग असाइड द फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। आपने डीआरआर बनाया, अब मान लीजिए आपको रिडेम्पशन भी करना है, मान लीजिए आपको अगले साल रिडेम्पशन करना है, तो आप सेम ईयर पे क्या करोगे? आप सेम ईयर में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एंट्री क्या करोगे? डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये रहा आपका डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ठीक है, अच्छा आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, अच्छा यहां लिखा हुआ है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, अब ये भी हो सकता है कि तुम 5 साल बाद रिडीम करने वाले हो, कब रिडीम करने वाले हो? 5 साल बाद, और तुमने बोला कि मैं आज से ही इन्वेस्ट कर दूं चलेगा? सर चलेगा, लास्ट डेट है 30 अप्रैल, किसके लिए? जो तुम अगले साल रिडीम करोगे, अगले साल तुम रिडीम करोगे तो उसके लिए डेट है आज की 30 अप्रैल, पर अगर उससे पहले ही तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो चलेगा, 5 साल बाद रिडीम करोगे आज से ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो चलेगा, पहले साल से ही इश्यू के टाइम से ही तुम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो चलेगा। अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया तो इस पे तुम्हें इनकम भी तो होगी, हर साल, हर साल तुम्हें इस पे इनकम मिलेगी। तो ये देखिए, फॉर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट पे तुम्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सर ये इंटरेस्ट को हम कहां डालेंगे? पी एंड एल में, हम इसको कहां चार्ज करेंगे? पी एंड एल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्री देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये स्टार क्यों लगा हुआ है और ये येलो मार्क क्यों है? पहले अमेंडमेंट से पहले इस चैप्टर में आईसीएआई कहता था कि इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब तुमने मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर तुम्हें 10 रुपए की इनकम मिली, तुम 10 रुपए को भी री इन्वेस्ट कर दो, मतलब अगली बार तुम 110 रुपए री इन्वेस्ट करोगे, 100 रुपए तो हर साल करने पड़ेंगे और 10 रुपए तुम और री इन्वेस्ट कर दो। अब क्योंकि तुम इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंटरेस्ट को तुम पीएनएल में मत ले जाओ, तुम इंटरेस्ट को डीआरआर में ले जाओ, पर अब ऐसा नहीं है। अब तुम इंस्टीट्यूट बोलता है कि अब हम मान के चलेंगे कि इंटरेस्ट जो तुम्हें मिल रहा है, इनकम मिल रही है, वो री इन्वेस्ट नहीं होगी, और क्योंकि वो रीइन्वेस्ट नहीं होगी तो उसको डायरेक्टली पीएनएल में ले जाओ। कुल मिला के उन्होंने आसान कर दिया, इजी कर दिया, तो इसलिए हम एंट्री कर रहे हैं इंटरेस्ट टू पीएनएल। इसलिए ये येलो मार्क्ड है कि आपको हर इलस्ट्रेशन में मान के चलना है कि डिबेंचर जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट रीइन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रीइन्वेस्ट नहीं होगा तो उसको डीआरआर में डालने की जरूरत नहीं है। आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं पुराना, ताकि आप उलझे ना, क्या इंटरेस्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट पे मिला वो डीआरआर में जाएगा? द आंसर इज नो, वो पीएनएल में जाएगा। Enhance interest on DRR investment is not credited to DRR account but taken to P&L account. ठीक है? चलिए ये सारी एंट्री हो गई, समझ में आ गई? At the time of redemption of debenture, अब debenture को redeem करने का बारी आ गई, ठीक है? redeem करने की बारी आ गई तो क्या करोगे? Investment को sale करोगे in cash में, तो bank account debit to DRR investment. ठीक है सर, अब आप क्या करोगे? अब आप debentures को redeem करने के लिए entry pass करोगे debentures account debit to debenture holders. याद है ना? एंट्री करवाई थी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये आपका डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब आपका डिबेंचर रिडीम हो चुका है, अगर आपका डिबेंचर रिडीम हो चुका है तो जो आपने डीआरआर क्रिएट किया था और डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाया था, तो इन्वेस्टमेंट को तो आपने इन कैश करवाई दिया, पर जो आपने डीआरआर क्रिएट किया था, प्रॉफिट को ब्लॉक किया था,
एक बार आपका डिबेंचर हमेशा के लिए रिडीम हो गया तो वो जो आपने डीआरआर क्रिएट किया था अब उसका कोई यूज नहीं है, उसको वापस से फ्री रिजर्व्स में रिवर्स कर दो। एंट्री होगी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। डीआरआर टू जनरल रिजर्व मतलब वापस से रिवर्स कर रहे हैं डीआरआर को और वापस से फ्री रिजर्व में डाल रहे हैं। कब? जब आप डिबेंचर्स को रिडीम कर लो। सर सारा का सारा डालेंगे? डिपेंड करता है, अगर आपने इंटायर वैल्यू रिडीम कर ली तो पूरा का पूरा डीआरआर जनरल रिजर्व में डाल दो। पर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए में से आउट ऑफ 10 लाख रुपीज आपने 4 लाख रुपीज को रिडीम कर दिया, आपने 4 लाख को क्या कर दिया? रिडीम, 4 लाख रुपए को रिडीम कर दिया आपने। तो अब 4 लाख रिडीम हो गया तो कितना बचा? 6 लाख। 6 लाख का कितना होना चाहिए? 10%, मतलब 60,000। आपके डीआरआर में 60,000 रिमेनिंग पड़ा होना चाहिए, बाकी आप ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। अगर डीआरआर में आपके 1 लाख रुपए रखा था तो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो 40,000, बाकी 60,000 पड़ा रहेगा। समझ में आया? ऐसे होता है। सो गाइस, ये जर्नल एंट्रीज, ये अकाउंटिंग एंट्रीज एक बार आपको समझनी पड़ेगी। अगेन आई एम गिविंग यू टाइम, 3-4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। एक बार आप पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी गाइस, एंट्रीज आपको क्लियर होंगी। डीआरआर क्यों बनता है? क्लियर होगा। डीआरआर इन्वेस्टमेंट होता है, क्लियर होगा। अब कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट वाइज पॉइंट इज क्लियर, क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, और वो आपको समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। क्यों? कंसेप्ट समझना एक अलग बात होती है, बट उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना एक थोड़ी सी अलग बात होती है। तो वो कैसे करेंगे? आइए, मेरा तो कहना है कि आप अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़वा रहा हूं और पढ़वाते पढ़वाते मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेटर साथ में रखिए जैसे मैंने रखा है साथ में। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपियर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2001। 20X1 को मैं 2001 बोलूं या 2011 बोलूं एक ही बात है। X1 मतलब ये 10 हो गया ना, ये इसको अपन 10 बोलते हैं, तो ये हो गया आपका 11। ऐसा तो 2011 क्या है भाई? 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच। अब देखिए कुल मिला के वैल्यू कितनी हुई? वैल्यू हुई एक तरीके से 10 लाख रुपए। और अगर 10 लाख वैल्यू हुई तो उसका 10% कितना बनता है? 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब डीआरआर कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए। कुछ आया समझ में? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज 50,000। देखिए अब आपको बात क्या याद रखनी है, डीआरआर होना कितना चाहिए? 1 लाख। सर फिर से बोलो ना 2 मिनट। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं। मुझे ये बताओ डिबेंचर्स कितने हैं? 10,000 इंटू 100 रुपया फेस वैल्यू, तो कितने आउटस्टैंडिंग हुए? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना बनता है? डीआरआर बनाना है ना मुझे, तो मेरा डीआरआर आज कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए। जबकि मेरे पास डीआरआर अभी रखा कितना है? 50,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अभी तक सफिशियंट डीआरआर नहीं है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन डिपॉजिट्स विद अ शेड्यूल्ड बैंक, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, हमें डिपॉजिट करने पड़ते हैं एफडी। आप वो सोचो, वो मत सोचो कि कहां डिपॉजिट करना पड़ता है। कुल मिला के ये इन्वेस्टमेंट है, ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट है। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? DRR, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ऑन और लियन इज 1,50,000। ठीक है,
हमें कितना हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 1,50,000। मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है, कैसे बोल सकते हो? अगर मैं मैक्सिमम रिडम्पशन भी देखूं तो कितना होगा मैक्सिमम रिडम्पशन? 10 लाख रुपए का। वैसे तो उन्होंने बोला है कि ये 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। अब इस क्वेश्चन में इशूड कितने हैं? 10 लाख। हो सकता है रिडीम भी मैं 10 लाख करने वाला हूं अगले साल, या हो सकता है मैं रिडीम 10 लाख ना होके करके मैं कम करूं। पर मैंने 10 लाख का मैक्सिमम 1 15% 1,50 बना के रखा है। कल को अगर मैं 10 लाख से कम भी रिडीम करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सफिशियंट इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट इंटरेस्ट पर है? 4% इंटरेस्ट। रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज 9 लाख रुपीज। बैंक बैलेंस कितना है कंपनी के पास? 9 लाख रुपीज के। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2011। इंटरेस्ट जो ये 6% का जो इंटरेस्ट है ना, ये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। ऑन फेब्रुवरी 28, 2012, मतलब नेक्स्ट ईयर, द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इनको सेल कर दिया गया ऑन 28 फेब 2012, सेल किया गया एट पार, मतलब 150 पे ही। एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101। पेड ऑफ मतलब रिडीम, रीपे। डिबेंचर्स को मैंने रीपे कर दिया, कितने पे? 101 पे। कितने के थे? 100 रुपीज के, मतलब 1 रुपी प्रीमियम, मतलब 1% प्रीमियम। इसका मतलब अगर कुछ कुछ बातें मैं आपको बोलूं तो इस क्वेश्चन से मुझे क्या क्या बातें समझ में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ये समझ में आती है कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स 6% कितने हैं? 10 लाख। ठीक है ना, ये कब है? 31 दिसंबर 2001। रिडम्पशन ऑफ रुपीस 10 लाख डिबेंचर्स ड्यू ऑन, रिडम्पशन कब ड्यू है? 28 फेब 2012। ठीक है, अच्छा DRR बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2002 कितना, सॉरी 1 2011 कितना है? 50। और DRR इन्वेस्टमेंट ऑन 31st इन्वेस्टमेंट बैलेंस 31 दिसंबर 2011 कितना? 150। ठीक है, ये सफिशिएंट है, ये इनसफिशिएंट है। तो क्या करना चाहिए? मुझे डिबेंचर रिडीम कर देने चाहिए कि पहले मुझे डीआरआर बनाना पड़ेगा? पहले मुझे बनाना पड़ेगा। मैंने आपको एक गोल्डन रूल लिखवाया था, मैंने आपको गोल्डन रूल लिखवाया था, दिस वन। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑलवेज चेक द बैलेंस इन डीआरआर वेदर इट इज सफिशियंट और नॉट। इफ इट इज नॉट सफिशियंट देन क्रिएट सफिशियंट डीआरआर बिफोर रिडम्पशन। ठीक है, चलो गाइस, तो नाउ हमारी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? पहली स्टेप मेरी होनी चाहिए 10 लाख का 10% बनता है 1 लाख रुपीज। मेरे पास 1 लाख का DRR अभी नहीं है, मेरे पास 50 का है, तो मैं रिमेनिंग 50 का बनाऊंगा इमीडिएटली। समझ आया? आगे वो कह रहा है बैंक बैलेंस हमारे पास रखा है 9 लाख रुपीज का, इन्वेस्टमेंट पे 4% इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस जो है वो 31 दिसंबर 2011 तक पे कर दिया है। इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं एट पार पे, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं 101 पे। अच्छा, रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू एट 101, तो ये कैसे आएगा? 10,000
इंटू 101, 10,000 नंबर है ना, मतलब 10,10,000 मतलब 10,000 प्रीमियम टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट। ये क्या है सर, टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट? ऊपर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैव बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 11, मतलब दिसंबर तक तो इंटरेस्ट पे हो चुका है। हम डिबेंचर्स को रिडीम कब कर रहे हैं, 28 फरवरी, दैट मींस जनवरी फरवरी 2 महीने का इंटरेस्ट भी बचेगा। तो इंटरेस्ट 2 मंथ्स जनवरी एंड फरवरी 2012 कितना, 10,00,000 इंटू 6% इंटू 2/12, दिस इज योर 10,000 इंटरेस्ट। राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन, इग्नोर टैक्स टैक्सेशन। आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब आपको बैंक एक्सक्लूडिंग लिखा है यार, मुझे लगा इंक्लूडिंग है, चलो छोड़ो, बैंक अकाउंट भी आपको बनाना है, अपन तो बनाएंगे क्योंकि बैंक अकाउंट बनाना जरूरी है। ठीक है चलो बनाए, ये इंफॉर्मेशन आपने लिख ली अपने पास, ये इंफॉर्मेशन अगर आपने लिख ली तो आगे बढ़े, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए पहले। चलिए कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, 6% डिबेंचर्स अकाउंट, या एक काम करें मैं पहले आपको जर्नल एंट्री बता दूं, पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, हालांकि उन्होंने पूछा नहीं है पर जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, पहली जनरल एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, कितना ये होगा 50,000। दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी, दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी, दूसरी जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट पे करने की। अच्छा डेट्स क्या होंगी, ये डेट होगी 31 दिसंबर 2011, 28 फेब 2012 को एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 10,000 इंटरेस्ट पेमेंट करने वाली एंट्री। ठीक है अच्छा और क्या एंट्री होगी, 28 फेब को आप DRR बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, बैंक डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट 1,50,000। सर कितने में बेचा, एट पार, एट पार मतलब जितने का है उतने का पूरा पूरा बेचा। 28 फेब 2012 में हमने एक एंट्री पास किया 6% डिबेंचर्स डेबिट 10,00,000, ठीक है, प्रीमियम डेबिट 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स 10,10,000। 28 फेब को हमने एंट्री पास की, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट 10,10,000 टू बैंक 10,10,000। 28 जैन को एंट्री पास की, देखिए ध्यान से सब कुछ हो गया, DRR बनाया पहले, फिर इंटरेस्ट पे किया, बैंक से हमने इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर लिया, डिबेंचर रिडीम करने की ड्यू की एंट्री पास कर ली, डिबेंचर रिडीम हो गए। अब जब डिबेंचर रिडीम हो गए तो DRR क्या कर रहा है, DRR को अनलॉक कर लो, एंट्री होगी DRR टू
जनरल रिजर्व कितना? 1 लाख। सर ये हमने जनरल रिजर्व में कब ट्रांसफर किया? 28, और हमने बनाया कब था? 31। ठीक है, तो ये 6 एंट्रीज आपके लिए रेलेवेंट है। मुझे लगता है आपको पहले ये एंट्रीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए, फिर अपन अकाउंट तो आराम से सीख ही जाएंगे। पहले ये एंट्रीज नोट कर लीजिए गाइस। एंट्रीज नोट कर लीजिए पहले। आई होप आपने लेक्चर को स्टॉप कर ले करके एंट्रीज नोट कर ली होंगी। अगर आपने एंट्रीज कर ली होगी नोट, तो ध्यान से देखिए अकाउंट कौन कौन से बना रहे हैं। 6% मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं जिसका बैलेंस था 10 लाख रुपए। प्रीमियम अकाउंट बना रहे हैं जो कि हम 10,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं। प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? पीएनएल में। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब भी हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम होता है वो आपका हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट देखो कितना रखा था, 1.5 लाख रुपए, बेच दिया 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट 10,000 का था, आपने पीएनएल में डाल दिया 10,000। एंट्री कर लेते हैं यहां पर एक और, एक काम करो, ये था ना, तो ये भी आपका कहां जाएगा? पीएनएल में। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000। मैंने यहां पर सारी एंट्रीज 28 को की है, सिर्फ एक एंट्री मैंने 31 को की है, 31 दिसंबर। देखिए 28 फरवरी, 28 फरवरी, 28 फरवरी, 28 फरवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी को तो बैलेंस है, 28 फरवरी वगैरह वगैरह। बैंक में आपके पास रखे थे 9 लाख के, 9 लाख रुपीज कैश रखा था। अच्छा हाँ, हमें एक एंट्री में करना भूल गया, ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज एट द रेट ऑफ 4%, दिस इज एट द रेट ऑफ 4%। सो बेस्ड ऑन दैट थिंग ऑन 28th Feb 2012 यू विल गेट द इनकम बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट्स कितना? 150 इंटू 4% इंटू 2/12, 1000। ठीक है, 1000 का, तो ये आपका 1000 का इंटरेस्ट आया। आपने इधर 10,000 का इंटरेस्ट पे किया, 10,10,000 रिडीम किया, 1,50,000 आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, आपका क्लोजिंग बैलेंस पड़ा 31,000। ये अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना रखा था? 50,000 फर्स्ट जनवरी को। फर्स्ट जनवरी को ही, मतलब मैं यहाँ फर्स्ट जनवरी बोल रहा हूँ, हमने 31 बोल दिया, मतलब ईयर एंड बोल दिया, ठीक है हम ईयर के बिगनिंग में भी कर सकते हैं। फर्स्ट जनवरी को हमने पीएनएल से हमने 50,000 क्रिएट किया, और 28 फरवरी को हमने जनरल में डाल दिया 1 लाख, इस तरीके से। तो आप इस लेजर अकाउंट्स को देख लेंगे, आपको एंट्री से मैच किया वो मिलेगा, एक बार आप देख लीजिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी चलिए, क्वेश्चन नंबर टू आपने देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। टेक्निकली क्वेश्चन नंबर थ्री आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर फोर में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर वन की तरह है और क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर टू की तरह है, पर मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर फोर, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन नंबर टू देखा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर फोर। ध्यान से देखिएगा। फॉलोइंग बैलेंसेज अपियर इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड ऑन 1/4/2011। 12% डिबेंचर 7.5 लाख। पहले आपने डिबेंचर पढ़ा और आपका दिमाग चलना चाहिए कि 7.5 लाख, 7,50,000 का 10% होना चाहिए 75,000। देयर शुड बी अ मिनिमम 75,000 DRR इन योर बैलेंस, इन योर DRR बैलेंस। जबकि वो कितना बोल रहा है, बैलेंस ऑफ DRR इज जस्ट 25,000, तो यू हैव टू क्रिएट 50,000 का DRR एक्स्ट्रा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? तो एक एंट्री तो हमें मिल गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, ठीक है। 1/4 पे DRR इन्वेस्टमेंट इज 112,500। ये चेक कर लेते हैं, 7.5 लाख का 15%। अगर मैं मान के चलूं कि पूरे के पूरे 7.5 लाख में रिडीम करूंगा तो 7,50,000, 15%, 1,12,500। यस, दिस एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 10% 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10% दैट मींस वी विल गेट द इंटरेस्ट इनकम एट द रेट ऑफ 10% एंड आर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 12%। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू DRR वॉज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हम हमेशा एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कब करते हैं, 31 मार्च को करते हैं, ऑन 31 मार्च 2012। मतलब हम बात कर रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 1/4/11 की। थर्टी फर्स्ट मार्च 12 यहां पे रिडम्पशन है ड्यू। बैलेंस एट बैंक 7,50,000 बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले मेरे पास 7.5 लाख रुपए बैलेंस रखा है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहां इंटरेस्ट निकाल लोगे 1,12,500 पर 10%, 1,12,500, 250, 1,12,500 का इंटरेस्ट मिलेगा। एंट्री होगी बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं जानबूझ के शॉर्ट में कर रहा हूं ताकि आपको खुद करना पड़े। द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज एट पार, एट पार मतलब 1,12,500 में बेचा। सर अगर मान लो ज्यादा पे बेच दिया, कम पे बेच दिया तो क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस आएगा, प्रॉफिट लॉस अपन पीएनएल में डालेंगे। फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे, मतलब 7,50,000 का 10%, 75,000 प्रीमियम, 75,000 प्रीमियम का जाएगा पीएनएल में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स, डिबेंचर अकाउंट, DRR अकाउंट, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर फोर आपका होमवर्क है, खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आने के बाद अपन एक लेंगे ब्रेक। सेनकॉम लिमिटेड इशूड 1,50,000 5% डिबेंचर्स ऑन 30th September 2000, ठीक है, ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, 31 मार्च एंड 30th September। ओके, तो हेयर 30th September इंटरेस्ट एंड हेयर ऑल्सो इंटरेस्ट। हाउ मच डिबेंचर्स आर देयर, 1,50,000 आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स आर 1,50,000। द कंपनी हैज द पावर टू परचेज डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन। कंपनी अपने ही डिबेंचर कैंसिल करने के लिए मार्केट से परचेज कर सकती है। द फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2012, ठीक है, एंड द कैंसिलेशन वर मेड ऑन द सेम डेट। कैंसिलेशन किया गया सेम डेट पे, ओके ठीक है बॉस। ऑन 31 दिसंबर 2000, 2000 द बैलेंस इन DRR ऑफ द कंपनी वॉज 25,000। DRR में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 25,000। एक सेकेंड, इसका 10% कितना होता है, 15,000। हमारा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 25, दैट मीन सफिशियंट है।
डीआरआर में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है 25,000, जबकि 1,50,000 का 10% कितना होता है 15,000, तो हमारे पास डीआरआर सफिशियंट है। डीआरआर इज सफिशियंट। इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इज 20,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया है 20,000, 1,50,000 का 15% देखें तो आता है 12, इसका 15% देखें तो टेक्निकली आना चाहिए 22,500, पर देखें कि हम रिडेम्पशन कितना कर रहे हैं। रिडेम्पशन का हमें करना पड़ता है 1 मार्च 2012, ₹25,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज्ड फॉर ₹24,725 एक्स इंटरेस्ट, और 1 सितंबर 2012 20,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज फॉर ₹20,125 कम इंटरेस्ट। अब ये चीज क्या है, फर्स्ट मार्च मतलब अप्रैल से पहले, फर्स्ट मार्च हेयर परचेज एंड कैंसिल कितना 25,000 नॉमिनल वैल्यू, कितने पे 24,725 एक्स इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट जोड़ोगे, क्योंकि फर्स्ट मार्च को परचेज किया है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा सितंबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने का इंटरेस्ट, 25,000 के ऊपर 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 25,000 इंटू 5% इंटू 5/12 दैट इज 520, टेक्निकली 521, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा, ये कम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 20,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज फॉर ₹20,125 कम इंटरेस्ट, तो कब परचेज किया था 1 सितंबर को, मतलब इधर 1 सितंबर, अगेन लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा 31 मार्च, मतलब 5 महीने का इंटरेस्ट शामिल होगा, 5 महीने का इंटरेस्ट शामिल होगा, तो मतलब 20,000 में 5 महीने का इंटरेस्ट, फोर वन सेवन, तो 417 का इसमें शामिल होगा, यहां पर कर रहा है परचेज कैंसिल 21,250, ये कम है, ये 417 इंटरेस्ट हो गया, तो एक्स वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द फॉलोइंग अकाउंट्स, डिबेंचर अकाउंट, ओन डिबेंचर अकाउंट, वो आपसे डीआरआर नहीं पूछ रहा है, वो आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं पूछ रहा है। अगर यहाँ पर वो बोलता है कि डीआरआर अकाउंट भी बनाओ, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो हम इन्वेस्टमेंट का कुछ बताते हैं इसको कि भैया इन्वेस्टमेंट भी इसने इनसफिशियंट किया है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 22,500 जबकि है 20,000। वैसे टेक्निकली अपन देखें तो सफिशियंट भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ 1,50,000 सिर्फ कैंसिल कितने कर रहा है 25 और 20, मतलब 45,000, तो 45,000 का 15% अगर देखें तो 6,750 होता है, जबकि हमने बनाया है 20,000 का इन्वेस्टमेंट। फिर भी आई विल गिव यू टाइम, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको क्वेश्चन को खुद से करके देखें, और मैं डेफिनेटली इसको करवाऊंगा, अभी मैं आपको ये होमवर्क पे दे रहा हूँ, आप इसको जरूर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर योर होमवर्क, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब अब तो सारे क्वेश्चन मैं बाद में ही करूंगा, अभी मैं ले रहा हूँ ब्रेक, चलो अभी मैं ले रहा हूँ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं, थैंक यू।